बैंगन की सब्जी को आप हजारों तरीके से बना सकते हैं, हजारों तरीके से आप इसे नई शक्ल और नया स्वाद दे सकते हैं, लेकिन दो तरीके तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं बैंगन की सब्जी बनाने के। एक तरीका जिसमें कि लोग बैंगन को देखना भी नहीं चाहते, अगर आपने बैंगन बनाया है तो वो बैंगन नहीं खाएंगे, बच्चे बैंगन खाना छोड़ देंगे। लेकिन दूसरा तरीका जिसमें लोग आपकी बैंगन की सब्जी के फैन हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि सिर्फ आप ही के हाथ की बैंगन की सब्जी हमेशा घर में बने, तो ऐसी बैंगन की सब्जी बनाने के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए और जिंदगी भर के लिए गारंटेड लोग आपके फैन हो जाएंगे आपकी बैंगन की सब्जी के। इसको बनाना बहुत आसान है, मिनटों में बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने ली है 2 चम्मच सौंफ की, साथ में ली मैंने 1 बड़ा चम्मच धनिए के बीज, और जाएगी कुटी हुई रोस्टेड पीनट्स 3 बड़े चम्मच जो मूंगफली सेक कर पीस ली मैंने, और साथ में जाएगा कश्मीरी मिर्च का 1 बड़ा चम्मच, और ये है सूखी हुई पुदीना की पत्तियाँ 1 बड़ा चम्मच, और ये लहसुन 3 बड़े चम्मच, और साथ में जाएगा अदरक कुटा हुआ 1.5 चम्मच, हल्दी कम से कम आधा चम्मच हल्दी डालने के बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक 1/4 टीस्पून। अच्छे से नमक डाल दिया हमने अपने स्वाद अनुसार। उसके बाद जाएगा हींग 1/2 चम्मच। ये हम मसाला तैयार कर रहे हैं, और इसमें जाएगा कोकोनट का डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर 2 बड़े चम्मच, कोकोनट का बुराता भी बोलते हैं इसे, और साथ में जाएगी कसूरी मेथी, सूखी हुई कसूरी मेथी की लीव्स 1 टेबलस्पून 1 बड़ा चम्मच, और इसमें जाएगा रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, भुना जीरा पाउडर 1/2 चम्मच के आसपास, और ये मैंने ली है अजवाइन, कैरम सीड्स 1/2 चम्मच, और साथ में जाएंगी फेनुग्रीक सीड्स, दाना मेथी 1/4 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं डालें नहीं तो कड़वा हो जाएगा, और एक ली मैंने लौंग, आप चाहें तो 2 लौंग ले सकते हैं अगर तीखा बढ़ाना चाहते हैं तो, और ये मैंने इमली का पेस्ट लिया 1 बड़ा चम्मच, साथ में जाएगा सौंठ का 1/2 चम्मच, ड्राई जिंजर पाउडर और अमचूर पाउडर, ड्राई मैंगो पाउडर 1/2 चम्मच, और ये मैंने लिया चीनी का 1 चम्मच। ये बहुत ज़रूरी है मसालों को बैलेंस करने के लिए, इससे बिल्कुल भी सब्ज़ी मीठी नहीं होगी, सिर्फ मसाले जो हैं वो अच्छे से बैलेंस हो जाएंगे। ये देखिए अच्छे से जार को हम बंद कर देंगे और इसे एक फाइन पेस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ये देखिए एकदम सूखा सूखा मसाला मैंने बनाया है, आप देख सकते हो। आप इस मसाले को बना के फ्रिज में रख सकते हो, और जब भी कोई भरवा सब्ज़ी बना रहे हो तो इसे इस्तेमाल कर सकते हो। आप चाहें तो इसमें सरसों का तेल तेज़ गर्म करके 2 बड़े चम्मच डाल के इस मसाले को स्टोर करके रख लीजिए फ्रिज के अंदर, और बैंगन बना रहे हो या भिंडी बना रहे हो या करेला बना रहे हो या कोई भी भरवा सब्जी बना रहे हो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है, आपको एक बार घर पे बना के देखना चाहिए, तभी आप समझ पाओगे कि सब्जी कितनी टेस्टी बनेगी इस मसाले से। ये देखिए मसाला जो है अभी सूखा मसाला है। अब हम क्योंकि थोड़ी सी भरवा बैंगन को ग्रेवीदार बनाना चाहते हैं तो हम इसमें अपना कुक टमाटो पेस्ट 1/4 कप डाल देंगे, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। कुक्ड अनियन पेस्ट 3 बड़े चम्मच, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, और ये अच्छे से हम सारी चीज़ों को मिला लेंगे। कुक टमाटो पेस्ट, अनियन पेस्ट को सारे मसाले के साथ अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए मैंने एकदम अच्छे से मसाला मिला लिया। अब कच्चा टमाटर जाएगा इसमें, 1 बड़ा टमाटर अच्छे से फाइनली क्रश करके, चॉप करके, ग्रेट करके आप इसमें डाल दीजिए। अब होगा क्या, जो मसाले हैं वो अच्छे से बैलेंस हो जाएंगे फ्रेश टमाटो जूसेस के साथ, और जो कुक टमाटो पेस्ट है, कुक अनियन पेस्ट है, वो भी अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। अब इसमें जाएगा मैजिक मसाला पाउडर 2 बड़े चम्मच, जिसकी रेसिपी मैं लिंक शेयर कर दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो मैंने चटनी की रेसिपी बताई थी आपको, चाट वाली, जी हाँ चाट वाली चटनी के साथ मैंने जो मैजिक मसाला बताया था वही मैजिक मसाला मैंने इसमें डाला है।
अब ये मसाला बिल्कुल तैयार है, इससे हम बनाएंगे भरवा बैंगन और इसकी ग्रेवी। चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से अगर आप बैंगन बनाएंगे तो सारी दुनिया आपकी बैंगन की सब्ज़ी की दीवानी हो जाने वाली है, गारंटेड। ये देखिए, बैंगन को एकदम सेंटर में से चीरा लगा लीजिए, धो के पोंछ के, और अंदर से चेक कर लीजिए कि बैंगन में कोई कीड़े तो नहीं है। यूजुअली बैंगन में बहुत सारी लटे होती हैं, काफ़ी सारे इसमें कीड़े होते हैं, तो आप ध्यान से बैंगन को चेक कर लीजिए अंदर से बिल्कुल सही। जब आपको लगे कि बैंगन सही है तो आप इसमें मसाला भर दीजिए जो हमने बनाया, अच्छे से भर के दबा दबा के बहुत सारा मसाला आप इसमें फिल कर दीजिए। मैंने एकदम मीडियम साइज़ वाला बैंगन लिया है। ये बैंगन जो मैंने लिया है ना, ये बहुत कांटेदार वाला बैंगन होता है। मार्केट में महाराष्ट्र में तो ऐसा बैंगन मिलता है, आप डार्क कलर वाला बैंगन भी ले सकते हो। अच्छे से मसाले को फिल कर देंगे, देखिए बहुत अच्छे से। जितना ज़्यादा मसाला आप बैंगन में फिल करोगे उतना ही अच्छा है। ये देखिए, एकदम भर भर के आप इसमें मसाला डाल दीजिए। अगर आप चाहें तो इसमें आप एक चम्मच बेसन का भी डाल सकते हो, रोस्टेड वाला, भून के बेसन को। तो क्या होगा, मसाला थोड़ा सूखा सूखा रहेगा, अंदर भरेंगे तो काफ़ी अच्छे से स्टिक हो जाएगा अंदर। ये देखिए, अच्छे से कोटिंग हो चुकी है, मसाला बैंगन के अंदर अच्छे से भर दिया गया। जैसा कि मैंने बताया, बैंगन बनाने के हज़ारों तरीके होते हैं, तो मैं धीरे धीरे अपने चैनल पे शायद हज़ारों के हज़ारों तरीके ही आपके साथ शेयर कर दूँ। ये देखिए, सारे के सारे बैंगन मैंने अच्छे से फिल कर दिए हैं, ये देख रहे हैं आप। अब जो मसाला भर दिया मैंने, उसके बावजूद थोड़ा सा मसाला और भी बच जाता है, ये देख रहे हो आप। इससे बनाएंगे हम बैंगन की ग्रेवी। अब ग्रेवी बनाने के लिए ये जो सूखा सूखा मसाला आपको दिख रहा है, इसमें मैंने थोड़ा सा हंकर्ड डाल दिया, 2 बड़े चम्मच हंकर्ड। जैसा मैंने आपको बताया, चलनी पे दही रखिए रात भर, और सारा जो खट्टा पानी होता है ना, उसका निकल जाने दीजिए। तो उससे क्या होगा, जो दही होता है वो एकदम क्रीम बन जाएगा, दही का क्रीम, जिसमें खटास बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन ग्रेवी बनाने के लिए वो बहुत परफेक्ट रहता है, उससे ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो जाती है। ये देखिए, अच्छे से कर लिया, अच्छे से मिला लिया। अगर आपके पास बंधा हुआ दही नहीं है तो एक ऑल्टरनेटिव आप दही ले लीजिए नॉर्मल, और साथ में 1 चम्मच मिल्क पाउडर का डाल दीजिए। अब एक पैन के अंदर हम लेंगे सरसों का तेल, 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। जब अच्छे से गर्म हो जाता है, धुआं आने लगे, तो उसमें 1 चम्मच जीरा डाल के अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद जो हमने मसाला बनाया है ग्रेवी का, वो डाल के अच्छे से पका लेंगे। मसाले को बहुत अच्छे से तेल में भून लीजिए, कम से कम 5 से 6 मिनट। अच्छे से जब मसाला भून जाएगा तो जो मसाले हैं फूल जाएंगे, जितने भी मसाले हमने डाले हैं। उसके बाद हम इसमें गर्म पानी, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी डाल के अच्छे से ग्रेवी को पकाएंगे। अब भरवा बैंगन डालने से पहले ध्यान रखिए कि ग्रेवी को हमें बहुत अच्छे से पकाना है। अगर आपने ग्रेवी को अच्छे से नहीं पकाया तो बैंगन में जो ग्रेवी के मसाले हैं उसका कच्चा स्वाद आएगा। इसलिए अच्छे से 9 से 10 मिनट तेल छूटने तक पानी डाल डाल के, थोड़ा थोड़ा और थोड़ा सा धनिया डाल के अच्छे से पकाना है। बहुत अच्छे से ग्रेवी बनानी है। टेस्ट करके देख लीजिए कि मसाला पका कि नहीं पका, क्योंकि जो मसाला मिक्सी में बनता है उसको पकाने के लिए बहुत सारा पानी लगता है, जैसा कि मैं आपको अपनी रेसिपीज़ में बताती रहती हूँ। अच्छे से जब तेल रिलीज़ हो जाए, आप देख सकते हैं, उसके बाद ग्रेवी जब बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगी, उसके बाद जाएंगे भरवा बैंगन। क्योंकि बैंगन को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और ग्रेवी पहले से अगर पकी होती है तो बैंगन उसके अंदर अच्छे से पकते हैं, और जो स्वाद आता है दोनों का कॉम्बिनेशन बनने के बाद, वो बहुत अच्छा आता है। तो ग्रेवी पहले बना लीजिए, उसके बाद रखिए उसमें बैंगन, और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालिए। एक साथ पानी डालोगे तो बैंगन का जो अंदर की स्टफिंग है वो बाहर आ जाएगी, और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। हम चाहते हैं कि बैंगन अपनी स्टफिंग के साथ अंदर से कुक हो। अच्छे से ढक के पकाइए। ये देखिए, मैंने बहुत फास्ट कर दिया है प्रोसीजर दिखाने के लिए, वरना क्लिप बहुत बड़ी हो जाती। आपको डंठल से बैंगन को पलटना है थोड़ी थोड़ी देर में। जैसे जैसे ग्रेवी गाढ़ी होने लगे, थिक होने लगेगी, आप उसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी, लगभग 3 से 4 चम्मच या 1/4 कप पानी डाल के ग्रेवी को पकाते जाइए 3-4 मिनट, बैंगन को ढककर और साइड से उसे पलटते जाइए और नीचे से चलाते जाइए। देख लीजिए कि मसाला स्टिक तो नहीं हुआ पैन में। इस तरह से आपको ये प्रोसीजर रिपीट करना है कम से कम 5 से 6 बार,
तब जाके आपके बैंगन एकदम परफेक्टली कुक होते हैं। तो ढकना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, साइड से पलटना है, इस बात का ध्यान रखना है। और ये देखिए पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम साइडों से बैंगन पे बहुत धीरे धीरे से, और थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालना है। ये देखिए इस तरीके से ढक कर पकाना है, और बहुत स्लो फ्लेम पर ढक के पका रहे हैं। जी हाँ, फ्लेम जो है, जब ग्रेवी बन रही थी तो मैंने तेज़ रखी थी, लेकिन बैंगन डालने के बाद फ्लेम को एकदम कम करके मीडियम फ्लेम पे आपको इसे पकाना है तेल छूटने तक। ये देखिए तेल तो छूट चुका है, लेकिन आपको ये भी चेक करना है कि बैंगन पके हैं या नहीं। और जितना तेल मैंने डाला है, ज़रूरी नहीं कि आप इतना तेल डालें, आप अपने घर में जिस तरह से आप प्रेफर करते हैं कम या ज़्यादा तेल डाल सकते हैं। मसाले, ये जो सब्ज़ी मैंने बनाई इसमें काफ़ी मॉडरेट है, ना ज़्यादा स्पाइसी है और ना ज़्यादा कम स्पाइसी है, ठीक ठाक है, बहुत परफेक्ट सब्ज़ी बनी है इन मसालों से। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं तो आप मसालों में थोड़ी सी लौंग, काली मिर्ची और लाल मिर्ची बढ़ा सकते हैं। चाहे तो जो मसाला मैंने पीसा उसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। टूथपिक से चेक कर लीजिए, अगर आपकी टूथपिक बिना किसी प्रॉब्लम के एकदम से अंदर अच्छे से इंसर्ट हो जाती है, अच्छे से आप को लगता है कि अंदर डालने से लगता है सॉफ्ट है बैंगन, एकदम गल चुका है, दैट मींस कि बैंगन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब ये जो ग्रेवी है इस वक्त थोड़ी हमें थिक लग रही है, क्योंकि हमने ग्रेवी वाले भरवा बैंगन बनाए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा सा गर्म पानी, क्योंकि जैसे जैसे ग्रेवी, अगर आप अभी गर्म पानी डालोगे और आधे घंटे बाद सर्व करोगे तो ग्रेवी वापस से थिक हो जाएगी। इसलिए जब आपको खाना है गर्मा गर्म, उससे बिल्कुल थोड़ी देर पहले, 5-10 मिनट पहले गैस पे थोड़ा सा गर्म पानी कर लीजिए, ग्रेवी में डालिए, हल्का सा पकाइए 1-2 मिनट, और आपकी बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी ग्रेवी की तैयार है। और इसी ग्रेवी के साथ आप भरवा बैंगन को सर्व करिए, ये राइस के साथ, लच्छा पराठा के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। नॉर्मल घर में जो तवा पराठा होता है प्लेन वाला, उसके साथ आप इसे किसी भी पार्टी के लिए अगर बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा ऊपर से देसी घी का तड़का भी दे सकते हैं। और इस तरीके से जब आप बनाओगे बैंगन, तो पनीर की सब्ज़ी से ज़्यादा लोग बैंगन की सब्ज़ी खाना प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये बन के बहुत टेस्टी बनती है। बस कुछ बातों का ध्यान रखिए, जो आप मसाला बना रहे हो वो मसाला, जो उसके मेजरमेंट्स हैं वो परफेक्ट होने चाहिए। ग्रेवी पहले अच्छे से कुक कर लीजिए, उसके बाद ही उसमें बैंगन को ऐड करिए। सेकेंड स्टेप, जो भी आप दही का इस्तेमाल कर रहे हो वो खट्टा दही ना लें, क्योंकि मैंने इमली डाली है वो भी खट्टी होती है। तो आप ध्यान रखिए इस बात का कि मैंने इमली भी डाली है, अमचूर भी डाला है, अगर आपने दही खट्टा वाला इस्तेमाल किया तो ग्रेवी खट्टी हो सकती है। तो अगर खट्टा दही इस्तेमाल कर रहे हो तो इमली और अमचूर की क्वांटिटी थोड़ी कम कर सकते हो। वैसे मैं प्रेफर करती हूँ कि आप हंग कर्ड का इस्तेमाल करिए, जिसमें बिल्कुल भी पानी ना हो, क्योंकि दही का एक्चुअली पानी ही खट्टा होता है, दही तो क्रीमी टेक्सचर का होता है, बिल्कुल खट्टा नहीं होता। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे घर पे ट्राई करके ज़रूर बताना। थैंक यू।